बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शबे बारात की फातिहा। शबे बारात की फातिहा का इंतजाम कुछ जगहों पर 13 शाबान को तो कुछ जगहों पर 14 शाबान को या फिर 15 शाबान को किया जाता है। शबे बारात में हलवा क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब ये है कि हलवा हमारे प्यारे आका को भी पसंद था, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि रसूलुल्लाह हलवा और शहद को पसंद फरमाते थे। बुखारी शरीफ जिल्द 02 सफा 838। शबे बारात की फातिहा किसके नाम पर दिलाएं? तो देखें कि शबे बारात की फातिहा का नजर खुसूसी तौर पर हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में पेश करें, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर जाना कि हलवा हमारे प्यारे आका को भी पसंद था, फिर हजरते अवैसे करने के नाम पर भी इसाले सवाब करें। इसके साथ ही जुमला मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात और खुसूसी तौर पर अपने अहले खाना के नाम पर इसाले सवाब करें, जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जब ईद या जुमा या अशूरह का दिन या शबे बारात होती है तो अम्वात की रूहें आती हैं और अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमें याद करे, है कोई कि हम पर तरस खाए, है कोई कि हमारी गुर्बत की याद दिलाए। फतावा रज़विया मुतरजम जिल्द 09 सफ़ा 653। अब कुछ अहम मालूमात। इस दिन फातिहा के लिए अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रिवाज है। कहीं तबर्रुक में 7 टीके के खाने पकाए जाते हैं जो मरहूम को पसंद थे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, जो जितना कर सकता है उतना इंतजाम करें। अगर कई तरह की चीजों और पकवान का इंतजाम नहीं कर सकता तो एक ही चीज पकाकर फातिहा दे सकते हैं, और ये भी न हो तो सिर्फ पानी, शक्कर, गुड़ वगैरह किसी भी चीज पर फातिहा दे दें, और अगर ये भी ना बन पाए तो सिर्फ फातिहा दे दें। बहरहाल हर सूरत में फातिहा हो जाएगी। कुछ लोग फातिहा के वक्त अलग अलग तबर्रुक रखते हैं, ये कि फलां मरहूम के नाम से है तो ये फलां के नाम से और फिर फातिहा देते हैं, या फिर एक एक करके अलग अलग मरहूम के नाम से फातिहा देते हैं। लेकिन असल में तो ये भी जरूरी नहीं और ना ही ऐसा कोई तरीका है। एक तबर्रुक में एक ही बार में फातिहा करने से सबको इसाले सवाब हो जाता है, और यह भी कहा जाता है कि अरफा के दिन रूहें अपने मुतअल्लिकीन से मिलने आती हैं। अरफा से पहले रूहें भटकती रहती हैं। अरफा की नियाज के बाद मुतअल्लिकीन रूहें मरहूम की रूह को आलमी ब्रिस्क में ले जाती हैं, वगैरह वगैरह। इन तमाम बातों की शरीयत मुतहरा में कोई असर नहीं है, और अरफा की नियाज के हवाले से यह तमाम बातें लोगों की अपनी बनाई हुई हैं। रूहों का भटकना और अरफे के बाद रूहों का आलमी ब्रिस्क में ले जाना ये भी बेबुनियाद बातें हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब शरह सुदूर में फरमाते हैं, इंतकाल के बाद मोमिनों की रूहें रिमियाइल नामी फरिश्ते के हवाले की जाती हैं, वो मोमिनीन के रूहों के काज़िम हैं, जबकि कुफार की रूहों पर मुकर्रर फरिश्ते का नाम दौमार है। शरह सुदूर सफ़ा 237। एक हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि मोमिनीन की रूहें सब्ज परिंदों में होती हैं, जन्नत में जहाँ चाहे सैर करती हैं। अर्ज किया गया कि काफिरों की रूहें इरशाद फरमाया सिज्जीन में कैद होती हैं। अहवालुल कुबूरी इब्ने रजब सफ़ा 182। रही बात नियाज व फातिहा और इसाले सवाब की, तो इसाले सवाब कुरान और हदीस से साबित, वह हम कभी भी कर सकते हैं। हम हर नमाज में अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। इस दुआ से भी मरहूमीन को फायदा पहुँचाते हैं, जैसा कि कुरान शरीफ में है कि रब्बान फरी वाली वाली दया वल मुग़फ़िरीन लबनात तर्जमा। ऐ हमारे रब, बरोज़े हश्र मेरी मगफिरत फरमा और मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा और तमाम मोमिनीन की मगफिरत फरमा। कुरान मजीद सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41। और हदीस शरीफ में है कि हजरत सैयदना अनस ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, हम अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं और उनकी तरफ से सदका और हज करते हैं, क्या उन्हें इसका सवाब पहुंचता है? तो सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, उन्हें इसका सवाब पहुंचता है और वो इससे ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स तोहफे से खुश होता है। उम्मतुल कारी जिल्द 06 सफा 305। यह भी मालूम रहे कि इसाले सवाब के लिए यह शर्त नहीं कि जिसे इसाले सवाब किया जा रहा हो वो इंतकाल कर चुका हो, बल्कि जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। फतावा शामी जिल्द 01 सफा 605। मालूम हुआ कि शबे बारात के दिन नियाज फातिहा इसाले सवाब कर सकते हैं, उसके साथ बाकी चीजें सही नहीं हैं। मौला ताला हम पर रहें फरमाए और अपना फजले खास फरमाए। जाते जाते आप लोग आलम रजा खान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।